आज बनाएंगे चटपटा मसाला टोस्ट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, चटपटा सा रहता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। मसाला टोस्ट बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे, उसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल लेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होने पर हम इसमें 1 पिंच हींग पाउडर डालेंगे। अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक ले लेंगे और कुछ करी लीव्स ले लेंगे, और करी लीव्स को बारीक तोड़ के ले लिया है, और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और प्याज 1 बारीक कटा हुआ। अब यहाँ पे प्याज को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमें कढ़ाई में डाल देनी है और 1 मिनट के लिए इसे सॉटे कर लेना है। यहाँ पे गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसके बाद में 1 मिनट होने के बाद हम इस प्याज को डाल देंगे। और अब प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। इसके बाद में मसाले डालने हैं हमें। यहाँ पे मैंने मसाले में 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर ले लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने सफ़ेद तिल लिया है, और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक ले लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और जब भी हम इस तरह सूखे मसाले ऐड करते हैं तेल में, तो गैस का जो फ्लेम है उसे लो ही रखें, वरना मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। इसके बाद में हमें 1 मिनट इन मसालों के साथ भी इसे भून लेना है। टोस्ट की स्टफिंग में जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हमने आलू लिए थे उबले हुए, उसे हल्का सा मैश करके लिया है, इसे डाल देंगे और सारे मसालों का अच्छी तरह से फ्लेवर आलू में मिक्स हो जाए। इस तरह से इसे भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। अगर यहाँ आपको लगे कि आलू कच्चे हैं तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के पका लें। और इसके बाद में हम हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। हरा धनिया डालने के बाद गैस का फ्लेम तुरंत ही ऑफ कर दें, और अब ये आलू मसाला पूरी तरह से रेडी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, और ये जो आलू मसाला बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। और इसके बाद में बटर, अब हम बटर को नाइफ की हेल्प से ब्रेड पर लगा लेंगे अच्छी तरह से, और अब आलू मसाला स्प्रेड कर देंगे। जैसे हमने बटर स्प्रेड किया है ब्रेड पे, उसी तरह से हमें इस आलू मसाला को भी स्प्रेड करना है इसके ऊपर। ब्रेड के चारों ही कॉर्नर्स पे मसाले का स्प्रेड अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि सारा जो चटपटा टेस्ट है इस आलू मसाले में ही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है हमने मसाला। अब सेकेंड ब्रेड में भी सेम प्रोसेस करेंगे। पहले हम बटर लगा लेंगे नाइफ से, और इसी तरह से हमने जो आलू मसाला लिया है उसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड पे। बची हुई सारी ब्रेड पे हम इस तरह से आलू मसाला स्प्रेड कर लेंगे और रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, चारों ही ब्रेड पे मैंने लगा दिया है। इसके ऊपर से ब्रेड हमें नहीं लगानी है, बस इसी तरह रखना है। और इसके बाद में गैस पे एक पैन रखा है, उसे बटर से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे पैन को, और जितना मसाला टोस्ट हमने बना के तैयार किया है उसे टोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखा है, और इसके ऊपर से जो सफ़ेद तिल है उसे स्प्रिंकल कर देंगे। और अब इसे एक साइड से 2 मिनट के लिए सेक लेंगे इस तरह से, और इसके बाद में इसे फ्लिप करेंगे सेकंड साइड के लिए। और अब हल्का सा इसे प्रेस करते हुए हम सेकंड साइड से भी इसे 2 मिनट के लिए टोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, फ्लिप करने के बाद इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, और ये मसाला टोस्ट बनकर तैयार है। अगर आप इसे क्रिस्पी बनाना चाहें तो 2 से 3 बार पलट के इसे इसी तरह से टोस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में जितने भी मसाला टोस्ट हैं हम उसे भी बना कर तैयार कर लेंगे। ये जो सफ़ेद तिल है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह से मसाला टोस्ट बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये मसाला टोस्ट। आप शाम के टाइम या ब्रेकफास्ट के टाइम, किसी भी टाइम इस टोस्ट को इंजॉय करें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और अब हम सारे टोस्ट को ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे इस तरह से। इस
सारे ही टोस्ट को इसी तरह हमें कट करके ले लेना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से मसाला टोस्ट बनकर तैयार है। आप इसे हरी चटनी टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इस स्नैक्स का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो बहुत ही चटपटा सा होता है, तो आप इसे बिना चटनी के भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत पसंद आता है। और इस मसाला टोस्ट की रेसिपी पसंद आने पे इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।